खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा ही हो रहा है। किस पे भरोसा किया जाए, किसको छोड़ा जाए और किस अपना लीडर माना जाए, लीडर यानी कि जो लोडर होते हैं, किसको आप अपना लीडर माने, दोस्तों वो आजकल है ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले एक लीडर ने मुझको कॉल करके बोला कि मतलब मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम नहीं करूंगा, मैं किसी ऐसी कंपनी में काम करूंगा जहां पे ना कोई सेंट्रलाइज्ड यूनिट ही ना हो, यानी कि कोई हमें कंट्रोल करने वाला ना हो। लेकिन उसी लीडर ने आज फिर से एक कंपनी ओके लाइफ केयर को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लॉग्स पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। असल में दोस्तों मैंने इस लीडर को नेस्विच के टाइम से देखा है, क्योंकि नेस्विच के टाइम में मैंने इनको स्टेज पे बोलते हुए बहुत सुना था। और उसके अलावा दोस्तों नेस्विच के बाद ये लोग वेस्टीज में गए। वेस्टीज में आपको पता ही है, जब वो एक आंधी आई थी, महाग्रु ने चेंज किया था, है ना, जिनको कि महाग्रु बोला जाता है इंडस्ट्री का, है तो नहीं वो लेकिन बोला जाता है। तो दोस्तों उन्होंने जब चेंज किया था, ये उनके साथ भी वेस्टीज में गए और फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम का हिस्सा बने। उसके बाद इन्होंने फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम को छोड़कर विनफिनिक्स का दामन थामा राहुल मकानी जी के साथ, और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने विनफिनिक्स को भी छोड़ दिया और अब इन्होंने ओके लाइफ केयर का दामन थाम लिया है। दोस्तों सीधी सीधी क्लियर सी बात है कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो किसी भी लीडर के भरोसे तो बिल्कुल मत जाइए, केवल और केवल अपने भरोसे जाइए। क्योंकि अगर आप लीडर के भरोसे जाएंगे ना तो कहीं इधर उधर घूमते रहेंगे। देखो लीडर्स का कई बार क्या होता है कि उनको अपनी सेटिंग मिल जाती है, एमजी मिल जाती है, मंथली गारंटी, सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आप जो लीडर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, उनको केवल एक आश्वासन मिलता है कि हाँ आप इस कंपनी में बढ़िया कर सकते हो। ऐसे आप कब तक अपने करियर को दांव पे लगाते रहोगे? और अगर आपको शौक है अपने करियर को दांव पे लगाने का, तो आप इन लीडर के साथ उनकी पूंछ बनके घूमते रहिएगा दोस्तों हर जगह। क्योंकि दोस्तों ये लीडर आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, परसों कहीं और होंगे। और इनके अगर आप कमेंट सेक्शन में ही पढ़ोगे ना, यानी कि अगर आप इनकी प्रोफाइल पे जाके इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी कई लोगों ने पूछा हुआ है कि भाई साहब अगली कंपनी कौन सी है, या कुछ लोगों ने बोला कि भाई साहब विनफिनिक्स में मज़ा नहीं आया क्या, या कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि आप जो वेस्टीज की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम छोड़ के आए हो ना, जो उसके महागुरु हैं, उनके अलावा कहीं पे आप शांति नहीं पाओगे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बंदा कहीं पे भी सेटल हो सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बार बार लीडर्स का ऐसे कंपनियां चेंज करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज तक वो ही सेटल नहीं हुए हैं, तो वो लोगों को क्या सेटल करेंगे। और दोस्तों इस लीडर ने मुझे फोन पे कॉल करके ये बोला था, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है उस चीज़ की, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझे मना किया था कि इस चीज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग ना डालें। लेकिन दोस्तों उस टाइम इन्होंने बोला था कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं करेंगे, और मैं सोच भी रहा था कि अब ये कौन सी कंपनी करेंगे, लेकिन इन्होंने फिर से भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही शुरू करी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आज के टाइम में लोगों के, मतलब जो लीडर है ना नेटवर्क मार्केटिंग के, खुद को लीडर बोलते हैं, उनका माइंड खुद ही एक जगह दोस्तों सिचुएटेड नहीं है, वो इधर उधर डाइवर्ट होता जा रहा है। और उनको यही नहीं पता अभी तक कि उनको किस कंपनी में काम करना है, किसको छोड़ना है, या कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है। तो दोस्तों आपको ये लोग क्या समझाएंगे? अब आप समझ तो गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इन जैसे लोगों से, या और भी जो भी लोग हैं उन जैसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए, और अपने करियर के लिए आपको सोचना है। क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम आने के बाद ये लीडर बोले कि भाई कोई नहीं, मुझे तो ये चीज़ समझ में आ रही है, मैं ये कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आ जाओ। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि आप लाइफ के उस स्टेज पर होते हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ ये चाहिए होता है कि भाई अब मुझे कुछ ना कुछ तो फिक्स इनकम इतनी आती रही। लेकिन कई बार आपको वो नहीं आती है, क्योंकि MLM में जो टॉप के लीडर या टॉप के लोग होते हैं ना, उनको सेटिंग मिलती है, आप और हम जैसे लोगों को नहीं। तो ये ऐसे ऐसे लोग जो बेचारे बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, वो अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, जाने कहां कहां से पैसा लाते हैं, क्रेडिट कार्ड पे पैसा लाते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, लोन पे ले लेते हैं, और जाने कहां कहां से पैसा लाते हैं, ब्याज पे ले लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत छोटी सी उम्र में ना बहुत पीछे कर देती हैं, और इन जैसे लीडर्स का कुछ नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग केवल और केवल थोड़े टाइम करनी होती है, उसके बाद इनका कुछ अलग माइंड सेटअप होता है। तो इन जैसे लीडर्स से, इन जैसे लोगों से, और इन जैसी कंपनियों से हमेशा दूर रहिए दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को सही रखना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बस यही आपको जाना चाह रहा था कि दल बदलू लोगों के साथ कभी भी मत रहिएगा, क्योंकि वो आज आपको यहाँ, कल वहाँ, परसों कहीं और रखेंगे ही रखेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो हर किसी के पास पहुंचनी बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि दल बदल लोगों के साथ तो ज़्यादा टाइम रहना ही नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।